सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू डे न्यू व्लॉग। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को दोबारा से वेलकम हो चुका है हमारे चैनल हैंड इन व्लॉग में। तो आज की जो वीडियो है वो जो है रैबिट्स का जो है ना, हम लोगों ने घर जो है सेपरेट करना है तो वो करेंगे। और अभी जो है मुर्गे वगैरह को हमने खोला है तो अली आपको दिखाते हैं। वैसे अभी जो है पानी देते हैं पौधों को, उसको मुर्गियों को, तो अभी निकालते हैं और इनको साफ सुथरा पानी देते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पर जो बाजरा गिरेगा कोई जानवर वगैरह परिंदे आती है मच्छर पे तो खा लेती है। आपके सामने देखे दो डव्स आई हुई हैं और ये जो है दाना खा रही हैं। तो गाइस देखे मैंने कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने देता, तो आपके सामने जो है दाना खा रही हैं तो अभी इन्हें खाने देते हैं। गाइस मैं देख रहा हूँ कि ये जो है ना कुटला बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और अंदर गंद भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो है ना यहाँ पर मैं इसको साफ़ करती हूँ अच्छी तरीके से और फिर आप लोगों को दिखाएंगे। गाइस देखें कितना फिट लग रहा है ये हाउस, बहुत अच्छा है। हमने हमें इसको खाली रखा हुआ है, हमें इसको भी यूज़ करना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें अपना जो रैबिट्स का पेयर है ना उसको डाल देती हैं। तो अली तुम क्या कहती हो, डालना चाहिए? गाइस तो अली भी मान गया, तो अभी जो है हम दोनों लगती हैं और मिलके जो है कुटले को साफ करेंगे। सो उससे पहले जो है अपनी डक्स वगैरह को खाना पानी डाल देते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हो ये हमारी मुर्गी है, ये पता नहीं इसको क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई है अली भी। तो इसको जो है मैं कह रहा हूँ धूप में रखूँ, यहाँ कड़क धूप आई हुई है तो उसमें थोड़ी देर इसको रखते हैं। गाइस मुर्गी, तो गाइस हमने मुर्गी को जो है इसमें केज में डाल दिया, थोड़ी देर ये धूप लेगी, इसको धूप लेने देते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है फ्रेश वाटरमेलन जो है अपने डक्स के लिए लेके आ चुका हूँ, तो अभी मैं इसे कट करता हूँ और अली आपको दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो ब्लैक ये जो रेड वाला हिस्सा है हमने साइड पे कर लिया, जो थोड़ा थोड़ा छिड़कों के ऊपर लगा होता है ये भी हमने अलग कर लिया। तो आधा जो है मैंने उस मुर्गी को डाल दिया, वो खा रही है, तो आधा जो है मुर्गे को डालती हूँ, बाकी जो है बतखों को डालती है। तो आए मेरे साथ। अब इसको खाने देते हैं। दे सकते हो पानी इन्होंने कितना मैला कर दिया, तो हम लोग जो है पानी बाहर फेंक देते हैं और साफ पानी जो है यहाँ से ले लेते हैं। तो ये पानी ले लिए साफ, तो अब इनको डालते हैं। देखो कितने मजे से अब ये पानी पी रही है और साथ ये वाटरमेलन खा रही है। बच्चा हुआ जो तरबूज है वो मैंने ऐसे ज़मीन पे डाल दिया,
और बाकी ये वगैरह। तो अभी जो है ना यहाँ पर ये खुदा जो है काफी ज्यादा ना वो हुआ है गंदा अंदर से, तो अभी जो है मैं लेके आता हूँ झाड़ू और हेल्पर, और फिर जो है हम लोग इसको जो है साफ करते हैं और रैबिट्स के लिए इसके अंदर जगह बनाते हैं और फिर उनको छोड़ते हैं। और गाइस आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह ये सारे पौधे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे, देखें कितने प्यारे प्यारे यहाँ फूल निकल आए हैं, लगता होगा आर्टिफिशियल है बट ये रियल फ्लावर्स हैं। और यहाँ देख सकते हो लीमू वगैरह भी निकल रहे हैं, मोतिया हर चीज़, ये देखिए यहाँ पर एक ये फूल भी निकल चुका है स्ट्रोमिया का, और यहाँ काफ़ी अच्छी ग्रोथ चाह रही है सबकी। और मैं आपको अनार दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस कितने बड़े बड़े अनार हो गए हैं, ये देखिए गाइस कितना बड़ा अनार हो चुका है यहाँ, ये देखें। और यहाँ ये देखें अमरूद के भी फूल खुल चुके हैं कितने ज़्यादा, तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी वीडियो। और यहाँ पर हमने एक बेल भी लगाई है न्यू, ये देख सकते हो गाइस यहाँ पर हमने इसके ऊपर कवर किया हुआ है, तो इसके ऊपर बेल भी लगाई हुई है, और यहाँ पर कनेर का एक और पौधा लगा दिया न्यू। गाइस अभी जो है मैं जाता हूँ और जो है लेके आता हूँ झाड़ू और हेल्पर, पर तो मुझे यहीं से मिल के अब झाड़ू लेके आती हूँ। गाइस वाटर कैन और हेल्पर और झाड़ू लेके आ गए, तो ऊपर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। गाइस मेरे शॉपर ले आए हैं जिसमें हम लोग ये डालेंगे, तो रोड़ा माटी अवेलेबल नहीं था तो हम ये ले आए हैं, तो ये भी हमें जरूरत होगी तो अभी इसको भी लेके चलते हैं। ऐसे देखा कितना गंदा हुआ है अंदर से, ये देखिए यहाँ हमने जगह बनाई थी मुर्गी को कूड़ा फिटाने के लिए, पर उसको तो हमने ज़िबा करवा दिया, और ये देखिए गाइस कितनी गंदी जगह हुई है, तो इसको हम करते हैं आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करें। और मैं आपको को वो बात बताता हूँ कि वो क्या बात है, तो आए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि वही खुदला तो आए मेरे साथ। गाइस ये देखिए माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है यहाँ पर हमारा खुदला, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ज़रा भी गंदीला और कतरा भी नहीं है, देखिए बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, और ये खुदला पहचाना ही नहीं जा रहा, इतना गंदा था पहले, आप पहले वाली क्लिप देखे कितना गंदा था और अभी देखे कितना साफ़ सुथरा हो गया। तो अभी जो है ना इसको इसके अंदर फिर इसकी हाउस के लिए जगह बनाती है और फिर रैबिट्स को छोड़ेंगे इसके अंदर। फाइनली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने इसके लिए जगह भी बना दिया है, और अब इनके लिए यहाँ दाने पाने के लिए और भी कुछ रखना पड़ेगा इनके लिए सामान वगैरह, तो इनके लिए भी अब अलग से बर्तन लाने पड़ेंगे। माशाल्लाह गाइस देखिए कितना प्यारा इनका ये गांव साफ सुथरा हो चुका है, और यहाँ पर हमने रेत भी एक ये देखें एक इंच की शर्त तो है ही, तो ये भी हमने लगा दिया, तो अभी जो है रैबिट्स को उनके न्यू हाउस में छोड़। आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने आज इतनी मदद की, और ये देखिए कपड़ों के हाल कुछ नहीं रहा, काफ़ी गंदी हो चुकी हैं, और अभी जो है रैबिट्स को उनके न्यू हाउस में छोड़ते हैं और उनका रिएक्शन देखते हैं कि वो कैसे लगते हैं, तो अभी जो है रैबिट्स को पकड़ते हैं और उसके न्यू हाउस में छोड़ते हैं। और जी न्यू हाउस में जाने लगे हो, कैसे खुश हो रहे हो? खुश हो रहे हो? बताओ उसे कैमरे में देखो, न्यू हाउस में जाना है कि नहीं मुझे बताओ। चलो अभी तुम्हें न्यू हाउस में लेके जाएंगे, फिर तुम ना खुश रहना वहाँ, ठीक है? चलो अभी आपकी फीमेल को भी आपको भी, कैसे हो? ठीक हो? चलो सलाम करो। चलो ये चलो अभी तुम्हें और तुम्हारी फीमेल को दोनों को लेके चलते हैं और वहाँ जाके छोड़ते। तो गाइस आप लोग देख सकते हो दोनों मेल और फीमेल को तो पकड़ लिया, अभी इनको इनके न्यू हाउस में छोड़ते हैं। गाइस सबसे पहले मेल की बारी, जाओ मेल। गाइस मेल जा चुका है, फीमेल की बारी। गाइस माशाल्लाह देखे अभी न्यू हाउस में तो थोड़ा डर रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे, और ये देखे मेल मेल तो जा रहा है, तो अभी फीमेल को भी देखते हैं वो क्या करती है। तो गाइस मेल भी चढ़ चुका है, और तो अभी देखते हैं क्या इनका रिएक्शन होता है, क्या करती हैं ये लोग। फीमेल तो डर रही है अभी।
माशाल्लाह गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है खरगोश ने मिट्टी पे जाके बैठ गया, खरगोश को बिल्कुल डर नहीं लग रहा, तो वो बार बार बाहर आ रहा है और वो कह रहा है कि जी नहीं। और अभी देखे वो अपनी फीमेल के पास जाके बैठ गया, तो और देखे गुलेटियाँ मार रहा है, बड़ी खुश हो गए हैं आपस में। तो इनकी इनको लाइफ की इंजॉय करने देती है, इनको प्राइवेसी देती है थोड़ी। और आई होप यू विल लाइक दिस। एंड अब जो है ना इनके लिए कोई बर्तन वगैरह का इंतज़ाम करती हैं और ताकि ये अपना खाना पीना भी सही तरीके से कर सकें। इस पानी के लिए तो इंतज़ाम हो गया, ये मुझे लग रहा है बेस्ट है। और दाने के लिए जो आप ढूंढते हैं तो अली और ढूंढे कुछ ना कुछ, पाने के लिए तो हमें मिल गया। तो अभी जो है इसमें फ्रेश वाटर डालते हैं अपने रैबिट्स के लिए। देखे दाने पानी के लिए तो हमने अच्छा सा जुगाड़ अभी लगा लिया, तो हम इसके लिए बर्तन भी उम्मीद है जल्दी से ले आएंगे। तो अभी इस जो जुगाड़ लगाया है इसको अभी दाना डालते हैं और पानी अंदर डालते हैं और फिर आप लोगों से आप लोगों को दिखाते हैं। अभी पानी भी गाइस पानी भी डाल देते हैं अभी इन्हों को, दाना डाल दिया पानी, इनका कपड़े ढक देते हैं। ये बहुत अच्छा है। और गाइस ये देखिए हमने ऊपर छत भी इनकी रिपेयर कर दी है, बहुत अच्छा सा ये शीट जो है लेकर आए हैं पेनाफ्लेक्स की। और यहाँ पर हमने ईंट भी लगा दी है और माशाल्लाह देखिए अली को देखे यहाँ कूद रहा है छत पे हमारे इधर की। तो अभी जो है सारे जानवर बंद हैं, तो अभी इनके कपड़े को ढक देती हैं। तो गाइस अभी अपने जो जानवर वगैरह हैं उनको जो है ढक देती हैं, तो फिर आपको जो है अली के भी दिखाएंगे। तो अभी जो है इसको ढक दिया अच्छे से, गाइस इसको तो ढक दिया, तो अभी चलते हैं और अली की मुर्गी को दिखाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये अली लोगों की मुर्गी है, इनका चूजा माशाल्लाह बहुत प्यारा है और अल्लाह ने जो बच्चे बचाए। और देखें इनकी मुर्गी कितनी प्यारी है, तो हम आपको अब रोज़ दिखाया करेंगे, इस चूजे की अपडेट भी दिया करेंगे क्योंकि अली रोज़ कहता है मेरी मुर्गी पे दिखाओ। गाइस आप देख सकते हैं अभी अली जो आपको दिखाता है, ये देखिए हमने सेटिंग की है पौधों की और पूरी छत जो है हमने एक जमादार बुलवाया था उससे पूरी छत साफ़ करवाई है और अभी छत जो है पूरी साफ़ हो चुकी है। तो अभी जो है आपको दिखाते हैं और ये पौधों की सेटिंग मैंने खुद की है, तो अली जो अभी आपको दिखाता है। देखिए हम लोगों ने ना इसके ऊपर नेट भी डाला है एक, जो ताकि ना ये अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा थोड़ा, मैं इसको ऐसे पकड़ के, ये देखेगा ये नेट है, तो ये हमने इसके ऊपर डाला ताकि चिड़ियाँ वगैरह पत्तों को हार्म ना कर सकें। और हमने यहाँ पर एक बेल भी लगाई है माशाल्लाह, देखिए कितनी प्यारी लग रही है अंगूर की, और आम की बेल नहीं होती। और कई आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और आप लोगों ने लाजमी से कमेंट करना है कैसा लग रहा है आपको ये पूरी नर्सरी टाइप हमने एक बनाया है, तो एंटीक सा। तो यहाँ पर ही अब मैं इंट्रो वगैरह किया करूँगा और एंड भी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा हो और रैबिट को अलग करना आप लोगों को, अगर आप लोगों को लगता है ये सेड सीजन है अगर रैबिट को अलग करना, अगर आप लोग कहते हो कमेंट में कि ये आपने अच्छा नहीं किया तो हम लोग वापस उसको साथ रख देंगे और ये जो सब कुछ किया इसकी जगह हम कुछ और इसके अंदर ला के रख देंगे। तो आप लोगों ने लाजमी से कमेंट करना है और मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ और लाइक भी करता हूँ। तो अगर आप लोगों की वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो और ये सफाई और ये सब कुछ सेपरेट करना ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।